दिस इज़ आवर 23rd लेक्चर ऑफ सी लैंग्वेज सीरीज और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लूप। लूप क्या होते हैं वो देखेंगे आज हम। देन डिफरेंट कीवर्ड्स फॉर लूप, लूपिंग करने के लिए हम क्या क्या कीवर्ड्स यूज़ करते हैं वो देखेंगे। देन आज हम देखेंगे सिंटेक्स ऑफ व्हाइल लूप, व्हाइल लूप का सिंटेक्स क्या होता है और किस तरीके से हम एक ही कोड को हम बार 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 रन कर सकते हैं व्हाइल लूप की मदद से, वो देखेंगे। एंड देन हम देखें एक प्रोग्राम बनाएंगे टू प्रिंट फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर यूजिंग व्हाइल लूप। तो आइए स्टार्ट करते हैं। लूप क्या होता है? तो लूप्स इन प्रोग्रामिंग आर दोज स्पेशल कीवर्ड्स, प्रोग्रामिंग में ये स्पेशल कीवर्ड्स हैं विच हैव पावर ऑफ रिपीटिंग देयर बॉडी मल्टीपल टाइम्स, जिनकी मदद से हम उनके बॉडी को बार 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 जितनी बार चाहें उतनी बार हम रिपीट कर सकते हैं एज अ कंडीशन, जो हम कंडीशन उसमें देंगे, ठीक है। सो इफ़ वी हैव अ सेट ऑफ स्टेटमेंट टू बी एग्जीक्यूटेड, मल्टीपल स्टेटमेंट, देन वी कैन पुट देम इन अ लूप। अगर कोई स्टेटमेंट हमें प्रोग्राम में बार 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 रिपीट करने की आवश्यकता पड़ रही है तो हम उसको बार बार ना लिख करके हम लूप में डाल सकते हैं, उसमें कोई कंडीशन लगा सकते हैं। जब जब वो कंडीशन ट्रू होगा तब तब वो लूप चलेगा, ठीक। नेक्स्ट हम देखते हैं डिफरेंट कीवर्ड्स जो हम लूपिंग के लिए यूज़ करते हैं। फर्स्ट है व्हाइल लूप, देन है डू व्हाइल एंड लास्ट है फॉर। तो आइए स्टार्ट करते हैं व्हाइल लूप। तो देखते हैं सिंटेक्स ऑफ व्हाइल लूप, ये कुछ ऐसा होता है। वॉइड मेन, जो हमने फंक्शन बनाया है उसके बॉडी में हमने कुछ जनरल स्टेटमेंट लिखे लाइक क्लियर स्क्रीन, वेरिएबल का डिक्लेरेशन, वेरिएबल बनाना। देन हम व्हाइल लूप स्टार्ट करते हैं, व्हाइल WHILE व्हाइल। ये सारे अल्फ़ाबेट्स स्मॉल होते हैं इसके, एंड देन पैरेंथेसिस के अंदर हम लिखते हैं टेस्ट कंडीशन, क्या कंडीशन ट्रू होगा कि इसके बॉडी में जाएंगे। जब जब ये कंडीशन ट्रू होगा तब तब इसके बॉडी में हम रिपीटली जाते रहेंगे, और जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगा हम इसके बॉडी से बाहर चले जाएंगे, उसके आगे जो कोड लिखा हुआ होगा वो एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाएगा। नाउ हम देखते हैं प्रोग्राम टू प्रिंट फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, आइए देखते हैं। मैंने यहाँ एक प्रोग्राम लिखा है जिसमें मैंने एक वेरिएबल बनाया एन नाम का, जिसका डेटा टाइप है इंट, और इस एन में मैंने रख दिया है वन, इसको मैंने इनिशियलाइज कर दिया वन से। देन क्लियर स्क्रीन का यूज़ किया, देन हम स्टार्ट करते हैं वाइल, वाइल देन पैरेंथेसिस में मैंने लिखा कंडीशन एन स्मॉलर देन इक्वल टू 10। जब तक ये कंडीशन ट्रू होगा तब तक इसका बॉडी में जो भी लिखा होगा वो चलता रहेगा, तो ठीक है। n स्मॉलर देन इक्वल टू 10, अभी n का वैल्यू क्या है 1, तो ये कंडीशन ट्रू हो गया, 1 स्मॉलर देन है 10 से, ट्रू हो गया तो उसके बॉडी में गया प्रोग्राम। उसके बाद लिखा उसमें प्रिंट है परसेंटेज डी n, तो ये प्रिंट करेगा n का जो भी वैल्यू होगा। उसके बाद एक और काम किया गया है n इक्वल टू n प्लस 1, n को 1 से इंक्रीमेंट कर दिया गया, मतलब अब हो गया 2, उसने 1 प्रिंट किया फिर 2 हो गया n, फिर गया वाइल में चेक किया कंडीशन 2 स्मॉलर देन 10 है, फिर से वो n प्रिंट करेगा, इस बार 2 प्रिंट कर देगा वो, फिर जाएगा n n प्लस 1, अब 3 हो जाएगा, फिर वो जाएगा चेक करेगा क्या 3 10 से छोटा है, है तो हाँ है, फिर वो 3 प्रिंट कर देगा, फिर जाएगा n इक्वल टू n प्लस 1, 4 हो जाएगा, फिर चेक करेगा जाके क्या 4 10 से छोटा है, हाँ है, तो फिर 4 को प्रिंट करेगा, फिर वो इंक्रीमेंट करेगा n को n इक्वल टू n प्लस 1 से, अब n 5 हो जाएगा। अब वो चेक करेगा क्या 5 10 से छोटा है, हाँ है, तो वो 5 प्रिंट कर देगा, फिर इसी तरह होता रहेगा, और जब 9 हो जाएगा 10 तक वो प्रिंट करेगा, जैसे ही n इक्वल टू n प्लस 1, जब n का वैल्यू 10 होगा तो 10 प्लस 1 11, अब जाके चेक करेगा क्या सही है कि नहीं कंडीशन, 11 स्मॉलर देन इक्वल टू 10 गलत,
जैसे ही पल्स हुआ तब उसके बॉडी में ना जा करके वो सीधा बाहर आ जाएगा उसके बॉडी से, उसके बाद गेट सी एच जो भी आउटपुट आया था प्रिंट एफ की मदद से वो आपको कंसोल पे दिखा देगा। तो इसको हम कंपाइल करते हैं, कंपाइल हो गया, इसको हम रन करते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ठीक, कुछ चेंजेस कर सकते हैं हम यहाँ। अगर हम यहाँ पे / n लगा दें, अब रन करें इसको, आ गया / n। बेसिकली आपके लाइन को चेंज कर देता है।